हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटेप। स्टूडेंट्स, नबार्ड ग्रेड ए ग्रेड बी 2019 के लिए जो क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है उसका आज लेक्चर नंबर 12 है। और लेक्चर नंबर 12 में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट फ्री मॉक टेस्ट जो आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया था, फुल लेंथ मॉक टेस्ट था। उसमें जो क्वांट सेक्शन था उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने 15 प्लस तो स्कोर किया ही होगा, क्योंकि जो टेस्ट था वो बहुत ज्यादा टफ नहीं था और बिल्कुल नबार्ड के लेवल का था। जिस तरह के क्वेश्चन क्वांट के पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, उसी तरह के क्वेश्चन हमने इस टेस्ट में डाले थे। तो आगे हम लोग सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ध्यान से आप लोग देखना कि अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो कहां पे गलती हुई है। मुझे उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स ने ये टेस्ट दिया होगा और अच्छे स्कोर लिया होगा। तो स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार मैं रिजल्ट के बारे में आपको बता देना चाहता हूं हमेशा की तरह। तो चलिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक बार रिजल्ट की बात कर लेते हैं। बहुत शानदार रिजल्ट रहे एडुटेप के 2017 और 18 में। आप लोग देख सकते हैं आरबीआई ग्रेड बी एंड नबार्ड ग्रेड ए के जो फाइनल सिलेक्शन यहां पर है 2017 एंड 2018 के। क्लियर? तो अगर बात करें 2018 से भी ग्रेड ए आईबीपीएस एएफओ, तो फाइनल सिलेक्शन से भी ग्रेड ए में 41 है आउट ऑफ 84, बहुत ही शानदार रिजल्ट। आईबीपीएस एएफओ अगर इंटरव्यू कॉल्स की बात करें, अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो 100 प्लस इंटरव्यू कॉल्स जो एडुटेप के स्टूडेंट्स की आई थी, मतलब 100 प्लस स्टूडेंट वो थे जिन्होंने एडुटेप का कोर्स लिया और फाइनल इंटरव्यू फेस किया। अगर मैं अपने कोर्सेज की बात करूं और इंडिविजुअल कोर्सेज की बात करें, तो आरबीआई ग्रेड बी का फुल वीडियो कोर्स, सेबी ग्रेड ए, नबार्ड ग्रेड ए, आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस एएफओ का फुल वीडियो कोर्स, प्लस मॉक टेस्ट, प्लस सेक्शन टेस्ट, काफी कुछ यहां पर आप लोगों के लिए है। अगर मैं बात करूं कॉम्बो कोर्स की, तो कॉम्बो कोर्स जो स्टूडेंट्स दो या दो से ज्यादा एग्जाम को टारगेट करते हैं उनके लिए कॉम्बो कोर्स आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, तो फर्स्ट कॉम्बो कोर्स बहुत अच्छा है क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स इन्हें टारगेट कर रहे हैं। आरबीआई ग्रेड बी प्लस नबार्ड ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए प्लस आरबीआई ग्रेड बी, नबार्ड ग्रेड ए प्लस सेबी ग्रेड ए, ये हमारे कॉम्बो कोर्स है। और अगर बात की जाए अपने नए कोर्स की, तो हमारा जो नया कोर्स है एडुटेप का, जो नया कोर्स है उस कोर्स का नाम है क्यूआरई कोर्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश। आप कोई भी एग्जाम देने के लिए जाइए तो आपको यहां तीनों से ही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्वांट के भी क्वेश्चन मिलेंगे, रीजनिंग के भी और इंग्लिश के भी। काफी सारे एग्जाम ऐसे हैं जहां पे फेस वन में ही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन काफी एग्जाम ऐसे भी है जहां पे फेस वन प्लस फेस टू दोनों में ही यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। और पहले ये डीआई आपको दी गई है, जो डायरेक्शन है 1 to 5 क्वेश्चन की है, डीआई आपको दी गई है। डीआई में क्या है कि इसने कहा है सोच द नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन एनुअल टैलेंट शो ऑफ कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस, स्टडी द ग्राफ केयरफुली टू आंसर द क्वेश्चन। तो देखिए, तीन जगह स्टूडेंट जो है परफॉर्म कर रहे हैं, किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांसिंग में, एक्टिंग में एंड सिंगिंग में। और इधर जो है ये नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए गए हैं आपको वाई एक्सिस पे, और एक्स एक्सिस पे आपको क्या दिया हुआ है, कॉलेजेस दिए गए हैं पी क्यू आर एस टी यू वी। तो ये कुल मिला के 7 कॉलेजेस हमारे पास है। अब स्टूडेंट्स आप लोग ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक 50 है और बीच में अगर हम लाइन गिने तो 5 लाइन्स यहाँ पे है। इसका मतलब ये जो लाइन है ये एक लाइन 10 नंबर दिखाती है। एक लाइन कितने नंबर दिखा रही है, 10 नंबर दिखा रही है, इतना बात समझना। जैसे अगर मैं पी में देखूँ, ये सिंगिंग है, तो सिंगिंग में अगर यहाँ पे नंबर में देखूँ तो 200 से 2 लाइन ऊपर है और एक लाइन 10 दिखाती है, तो सिंगिंग में कितने हो गए, 220 हो गए। अब यहाँ पे अगर एक्टिंग में देखूँ मैं पी कॉलेज का, तो 250 से 3 लाइन ऊपर है तो 280 हो गया, क्योंकि एक लाइन 10 दिखा रहा है। और ये यहाँ पे देखूँ डांसिंग में तो 350 से एक लाइन नीचे है, तो इसका मतलब कितना है, 340 है। अब स्टूडेंट्स आगे जो डाटा काम आ सकता है वो ये आ सकता है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो पी से कितने हैं, आप सबको ऐड कर दो, 240, 220 एंड 280। अगर मैं इन सबको ऐड कर देता हूँ किससे, पी से, तो पी में टोटल कुल मिला के कितना आ जाता है, 840 आ जाता है। कितना आ जाता है, 840, इतनी बात समझ में आई आपको। अगर क्यू में ऐड करूं तो क्यू में टोटल जो है यहाँ पे अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा, और यहाँ पे अगर देखें तो 300 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे देखें तो 360 आ जाएगा। अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो क्यू से टोटल पार्टिसिपेट जो है वो 900 आ जाएंगे। इसी तरीके से आर से कितने आ रहे हैं, 780 आ रहे हैं, एस से कितना आ रहा है, 740 आ रहा है,
टी से कितने होंगे टोटल 790 होंगे, और यू से कितने हैं 730 है, और ऐसे वी से कितने अगर ऐड कर देंगे सबको तो 870 है। ये आगे काम आ सकता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ये बहुत आसान है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अगर देखें ये कितना है 200, क्योंकि यहीं पे ग्राफ है तो ये सारी चीज़ें मैं यहीं पे बता देता हूँ। ये कितना है यहाँ पे 260 हो जाएगा, क्योंकि 250 से एक लाइन ऊपर है, ये 300 से दो लाइन ऊपर है, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा। यहाँ पे बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 340 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी, ये कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बात करेंगे तो कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा। अगर ये चीज़ यहाँ पे देखेंगे तो अभी मैंने देखा कितना हो जाएगा 190 हो जाएगा, क्योंकि 200 से एक लाइन नीचे है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 250 से फिर एक लाइन तीन लाइन ऊपर है तो 280 हो जाएगा, और ये जो है 300 से दो लाइन ऊपर है तो 320 हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये 260 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और ये आगे काम आएगा, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें, जिससे कि बार बार कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये कितना हो जाएगा 320 हो जाएगा स्टूडेंट्स। अगर यहाँ देखें तो ये 350 से दो लाइन ऊपर है तो 370 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर इसकी मैं बात करूँ तो 250 से तीन लाइन ऊपर है तो 280 हो जाएगा, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है 200 से दो लाइन ऊपर है तो 220 हो जाएगा। पूरा डाटा मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन डांसिंग फ्रॉम कॉलेज पी टी वी टुगेदर टू द टोटल स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन सिंगिंग फ्रॉम पी क्यू आर। अभी स्टूडेंट्स ग्राफ में मैंने सारा डाटा आपके सामने लिखा ही था, तो अगर मैं देखूं कि पी प्लस टी प्लस वी, ठीक है, इसका रेशियो बताना है किसके साथ, पी प्लस क्यू प्लस आर के साथ। लेकिन स्टूडेंट्स इतना याद रखना कि पहले आपको जो पार्टिसिपेट है वो डांसिंग के चाहिए, और दूसरे में सिंगिंग के पार्टिसिपेट चाहिए। तो डांसिंग के अगर पी की मैं बात करूँ तो कितने था, 340 था, यहाँ पे टी में कितना था 190 था, और वी में कितना 220, क्योंकि मैंने अभी आपके सामने सारा के सारा डाटा लिखा, तो ये आपको पता है। अब आगे देखिए तो सिंगिंग में पी में कितने हैं तो 240 थे, और क्यू में कितना है 320 है, और आर में देखे तो कितना था 220। अगर इस रेशियो की बात करेंगे तो कुल मिला के कट के कितना आ जाएगा 25:26। तो आसान था ये, जो सेकंड हमारा आंसर है वो सही ऑप्शन है। तो आगे देखें तो क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन सेकंड मिनिमम बता रहा है, और आपको पी क्यू आर एस और नन ऑफ दिस दिया गया है। तो स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको अभी तो बताया कि पी में कितने हैं टोटल 840 है, अभी मैंने आपके सामने लिखा था, क्यू में कितना है 900 है, आर में कितना है 780 है, ये सारा कुछ मैं अभी आपको बता चुका था ऑलरेडी। टी में कितना है, सॉरी एस अभी रह गया हमारा, एस में कितना है 740 स्टूडेंट है टोटल, टी की अगर बात करेंगे तो 790 है टोटल स्टूडेंट्स, यू की बात करेंगे तो 730 है टोटल स्टूडेंट्स, और वी की बात करेंगे तो कितना 870। तो स्टूडेंट्स सेकंड मिनिमम पूछा था, तो सबसे कम कहाँ पे है 730 में आपको दिख रहा है, और इसके बाद कम कहाँ है 740, तो सेकंड मिनिमम क्या है कॉलेज एस, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो मुझे उम्मीद है इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं और चीजों को समझते हैं ध्यान से, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन दिया गया है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन अब की बार इसने दे दिया है। क्या दिया है, इफ 40% ऑफ द टोटल स्टूडेंट ऑफ कॉलेज एस में जो है टोटल स्टूडेंट्स कितने थे मेरे 740 थे, अभी मैंने आपको बताया, पार्टिसिपेटेड इन एक्टिंग आर डूइंग सोलो एक्टिंग, ठीक है। तो जो एस में जो है एक्टिंग में जो लोग हैं, एस से जो एक्टिंग में लोग हैं, तो एस से जो है वो एक्टिंग में कितने स्टूडेंट है 260 स्टूडेंट्स जो है वो एक्टिंग के अंदर है। अब इसमें से जो 40% है वो सोलो एक्टिंग कर रहे हैं, तो इसका 40% अगर मैं निकालूं तो इसका जो 40% आएगा स्टूडेंट्स, तो अभी आगे देख लेते हैं, सोलो एक्टिंग एंड अदर आर इन ग्रुप एक्टिंग, ठीक है, जो दूसरे हैं वो ग्रुप एक्टिंग में है, मतलब 60% ग्रुप एक्टिंग में। 66.3% ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन ग्रुप एक्टिंग आर ए पार्ट ऑफ कॉमेडी ड्रामा, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एक्टिंग इन कॉमेडी ड्रामा। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो 40% है यहाँ पे वो तो सोलो एक्टिंग है, और जो इसका 60% होगा वो
किस चीज में हो जाएगा, वो हो जाएगा ग्रुप में। तो 260 का 60% मतलब क्या कर देंगे 3/5, जो भी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका भी 66 2/3% जो है वो किस में है, कॉमेडी ड्रामा में है। और 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो आपको पता है कितनी होती है, 2/3 होती है। अगर आप इसे सॉल्व कर देंगे तो इसे सॉल्व करके बहुत सिंपल सी चीज़ कितना आ जाएगा आपका, 104 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, जैसे कि आप देखिए ये कट हो गया, अगर मैं यहाँ पे कट करूँगा तो ये 52 टाइम्स कट हो जाएगा, और 52 × 2 कितना हो जाएगा 104। तो आंसर क्या हो जाएगा, 104, जो कि फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है हमारा। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया होगा आपको, तो चलिए बहुत अच्छी बात है। अगर क्लियर हो गया तो आगे देख लेते हैं क्या चीज है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं और देखते हैं। जो डीआई का ग्राफ दिया था वो 1 से लेकर 3 तक ही क्वेश्चन थे उसमें, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस से है। ए ट्रेडर मार्क्स हिज गुड सच दैट ही कैन मेक 32% प्रॉफिट एंड आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट। However, a customer avail 20% discount instead of 12%. What is the new profit percentage of trader? तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये आसान है, लेकिन बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कोर्स के अंदर बहुत सारे डिस्कस किए हैं, जिन लोगों ने कोर्स हमारा परचेज किया होगा तो उन्होंने ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर भी दिया होगा। तो स्टूडेंट्स ये तो मुझे पता है कि प्रॉफिट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है और मार्क हमेशा डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस भी अपने आप में 100% होता है और मार्क प्राइस भी अपने आप में 100% होता है, इतना तो क्लियर है आपको। अब 32% का प्रॉफिट हुआ तो जो एसपी है वो क्या हो जाएगा, 132% हो जाएगा, 132% ऑफ सीपी, बात समझ में आई। और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया 12% का, तो जो एसपी है वो 88% हो जाएगा, 88% ऑफ एमपी, बात समझ में आई। ये दोनों ही सेलिंग प्राइस है तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ऑफ से ऑफ कट जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज आप कट कर सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा 132 × सीपी इक्वल्स टू, उम्मीद है इतना क्लियर हो गया होगा आपको, 88 × एमपी हो जाएगा। अब मैं इसे 4 से कट करता हूँ, इसे 4 से कट करूँगा तो कितना आएगा 33 आएगा, इसे 4 से कट करूँगा तो कितना आएगा 22 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं सीपी और एमपी के रेशियो की बात करूँगा, सीपी और एमपी के रेशियो की अगर यहाँ पे बात कर दी जाए तो कितना बन जाएगा, और दूसरा मैं इसे 11 से भी कट कर देता हूँ, यहाँ से 11 से कट हो जाएगा तो रेशियो कितना बन जाएगा, 2:3 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई, मतलब कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो हमारे पास आ चुका है। अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि अब 12% की बजाय उसने 20% का डिस्काउंट लिया, तो 3 पे 20% का डिस्काउंट, अगर 3 पे 20% मैं निकालूँ तो 3 का 20% होता है 0.6, 0.6 का डिस्काउंट हुआ तो बेचा कितने में, 2.4 में। अभी भी 2 की चीज जो है वो 2.4 में ये बेच रहा है, तो इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, देखिए जिसका कॉस्ट प्राइस 2 था तो सेलिंग प्राइस अभी कितना है 2.4 है, तो जो प्रॉफिट हुआ है वो 0.4 का हुआ है, किस पे हुआ है 2 पे हुआ है, इंटू अगर 100 कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा 20%, तो अभी भी उसे 20% का गेन होता, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 5 स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम ऑन एजेस और एवरेज दोनों को मिला के बनाया गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। द एवरेज ऑफ 5 सिस्टर इज 20 ईयर्स, इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर बी 4 ईयर्स, व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ सिस्टर जस्ट आफ्टर द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर। क्वेश्चन बहुत आसान है। अब 5 सिस्टर है यहाँ पे, अगर 5 सिस्टर की जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है तो इसका मतलब टोटल जो एज रही होगी, टोटल एज की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया भी होगा, टोटल एज रही होगी 5 × 20, तो यहाँ पे टोटल एज रही होगी 100। अब क्या हुआ कि अगर जो यंगेस्ट थी उसकी एज 4 ईयर्स है तो जो 4 सिस्टर बची यहाँ पे, अब जो 4 सिस्टर बची है अगर इनकी टोटल एज देखी जाए, टोटल एज अगर यंगेस्ट सिस्टर को मैं हटा देता हूँ यहाँ पे, तो जो टोटल एज रहेगी वो 100 − 4 रहेगी, और 100 − 4 कितनी होती है 96 ईयर्स हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स अगर 4 सिस्टर की जो टोटल एज है वो 96 है तो जो 4 सिस्टर है उनका जो एवरेज होगा वो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 96 / 4, जिसे सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ जाएगा 24 ईयर्स, तो एवरेज कितना होगा 24 ईयर्स, जो कि यहां पे नन ऑफ दीज आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 जो है बॉट एंड स्ट्रीम का है। ए मैन कैन रो एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर,
मतलब बोट की जो स्पीड है, यहाँ पे मैंने ये बताई हुई सारी चीज़ें, ये बोट की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ़ द टाइम टेकन टू रो ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इज 3 times एज मच एज टू रो द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम, फाइंड द स्पीड ऑफ द करंट। करंट मतलब W, W की स्पीड बतानी है स्टूडेंट्स। और अगर टाइम की बात की जाए, कौन से टाइम की बात की जाए, यहाँ पे ध्यान से देखना आप कि अगर मैं अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम टाइम की बात करूँ तो कह रहे उतने ही डिस्टेंस जाने में अगर डाउन स्ट्रीम 1 time लगता है तो यहाँ पे क्या है, अप स्ट्रीम 3 times है। तो ये हुआ टाइम का रेशियो। अगर ये टाइम का रेशियो है तो स्टूडेंट्स स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, यहाँ से स्पीड का रेशियो आ जाएगा 1:3 आ जाएगा, किसका, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम। अब स्टूडेंट्स अगर मैं स्पीड का रेशियो निकालूँ बोट बोट और वाटर का, ठीक है, इसकी हेल्प से ही, तो बोट की स्पीड क्या होती है, इन दोनों का सम अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 + 3/2, तो मतलब 4/2। और वाटर की होती है दोनों का डिफरेंस, आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाउन स्ट्रीम माइनस अप स्ट्रीम डिवाइड बाय 2, तो 3 - 1 2/2। यहां से अगर स्पीड का रेशियो देखूंगा तो कितना बन जाएगा, 2:1 बन जाएगा स्टूडेंट्स। ये बोट की स्पीड है 2 parts, जिसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी, 4 km/h। अगर 2 parts की वैल्यू 4 km/h है तो 1 part की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 km/h। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर होगा आपको। सेकंड ऑप्शन यहां पे बिल्कुल सही है, सॉरी फोर्थ ऑप्शन सही है, 2 km/h। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 फिर से आपका प्रॉफिट एंड लॉस से है। कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ सुगर कॉस्टिंग 9 rupees per kg मस्ट बी मिक्स्ड 27 kg ऑफ सुगर 7 rupees per kg, ठीक है, दैट देयर मे बी गेन 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट ₹9.24 per kg। अब स्टूडेंट्स इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम लोग मिक्सचर एंड डेलीगेशन से करते हैं। आपको पता है मिक्सचर एंड डेलीगेशन में अगर यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ पे भी कॉस्ट प्राइस ही होना चाहिए, तभी आंसर आ सकता है। अब उसने कहा कि नाइन रुपीज़ पर केजी का कितना वेट लिया जाए, मैं मान लेता हूँ एक्स केजी लिया जाए, जबकि सेवन रुपीज़ पर केजी जो था उसका कितना लिया गया है, 27 kg लिया गया है। और जब बेचा गया है तो 9.24 में बेचा गया है, ये सेलिंग प्राइस है, और इतने में बेचने पे 10% का गेन हुआ है। 10% का मतलब 1/10, 10 पे 1 का गेन हुआ है स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा, 11/10। इसकी वैल्यू हमें दी गई है, कितनी दी गई है, 9.24, तो कब आया होगा, मल्टीप्लाई करके आया होगा, कितना मल्टीप्लाई करके आया होगा, 8.4 मल्टीप्लाई करके आया होगा, तो आप इसे भी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके आया होगा 0.84, तो आप इधर भी 0.84 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8.4 आ जाएगा। तो मतलब जो इनका वेटेड एवरेज है वो 8.4 rupees per kg आ गया, आप लोग समझ ही गए होंगे। इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 0.6, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाएगा 1.4, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1.4। अब स्टूडेंट्स पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 14:6, 2 से कट करेंगे तो ये 7 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब मुझे 3 की वैल्यू दी गई है कितनी, 27 kg, मतलब 1 part की वैल्यू कितनी होगी, 9, तो 7 को भी मैं मल्टीप्लाई बाय 9 कर दूंगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 63 kg आ जाएगी। सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा, मिक्सचर एंड एलिगेशन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 को करने के आपके पास काफ़ी मेथड हो सकते हैं, आप इसे मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड से भी कर सकते हैं, और रेशियो से भी कर सकते हैं। तो मैं रेशियो से सॉल्व करूंगा कैसे, इन ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ वॉल्यूम 30 liters द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क इज 3:7। हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडिड टू द मिक्सचर टू मेक द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर 1:2। क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए 30 liters का मिक्सचर है टोटल, जहाँ पे मुझे वाटर वाटर एंड मिल्क का रेशियो दिया गया है, कितना दिया गया है, 3:7 दिया गया है यहाँ पे। इतनी बात तो आपको समझ में आती है, अगर 30 को मैं 3:7 में डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 9 liters एंड 21 liters, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, बात समझ में आई। अब कह रहे हैं कि इसमें कितना वाटर ऐड करें जिससे कि मिल्क एंड वाटर का रेशियो कितना हो जाए, 1:2 हो जाए। अब स्टूडेंट्स क्या ऐड करना है, वाटर ऐड करना है, और एक चीज आप याद रखिए, अगर वाटर ऐड करना है तो मिल्क पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मिल्क जितना पहले मिक्सचर में था उतना ही दूसरे मिक्सचर में है, तो पहले मिक्सचर में मिल्क कितना था, 21, तो दूसरे में भी 21 ही होगा, मतलब 1 part की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21 liters हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है 2 part की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40
2 लीटर हो जाएगी। मतलब नए मिक्सचर में वाटर 42 होना चाहिए जबकि पुराने में 9 था, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, प्लस कर देना होगा 33 लीटर। इतनी बात समझ में आती है आपको, तो 33 लीटर आंसर होगा, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आप लोग देख लीजिए क्या कह रहा है। ट्रेन क्रॉसिस ए पोल इन 10 सेकेंड एंड ए प्लेटफॉर्म, ठीक है, विच इज 40% लॉन्गर देन द लेंथ ऑफ ट्रेन इन 24 सेकेंड। इफ द लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 140 मीटर, वट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे बात देखिए कि अगर प्लेटफॉर्म की मैं यहाँ पे लेंथ देखूँ जो कि मुझे गिवन है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी गिवन है, 140 मीटर गिवन है। और अगर मैं ट्रेन की लेंथ को 100% मान लूं, ट्रेन की लेंथ को कितना एज्यूम कर लूं, 100% एज्यूम कर लूं, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ इससे 40% ज्यादा है, मतलब कितनी है, 140% है। मतलब 140% की वैल्यू अगर 140 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 मीटर। तो मतलब ट्रेन की लेंथ जो है 100 मीटर है, जो कि एक पोल को 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। पोल को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जितनी ट्रेन की लेंथ। तो स्टूडेंट्स यहां से डिस्टेंस तो आ गई 100 मीटर, क्योंकि ट्रेन की लेंथ 100 मीटर है, और टाइम कितना आ गया, 10 सेकंड आ गया। और हम मेरे से पूछा है ट्रेन की स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्टूडेंट्स। तो डिस्टेंस कितनी है यहाँ पे 100 और टाइम कितना है 10, तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा। मुझे उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 स्टूडेंट्स, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, उम्मीद आप लोगों ने कर भी लिया होगा। ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 1/2 आवर्स, बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 3 आवर्स, सी एंड ए वर्किंग टुगेदर कैन डू इट इन 2 1/4 आवर्स। All of them being the work at the same time, find how much time they will take to finish the piece of work. क्लियर है, चलिए देख लेते हैं आगे और समझ लेते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ए प्लस बी की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस बी जो है 4 1/2 को मैं 9 2 आवर्स लिख दूंगा। क्लियर है आपको। अगर बात बी प्लस सी की जाए तो बी प्लस सी कितनी देर में कर देंगे, 3 आवर्स में कर देंगे। और बात अगर सी प्लस ए की कर दी जाए तो सी प्लस ए का जो टाइम है वो 2 1/4 है, ये मतलब इसे मैं 9 4 आवर्स कह सकता हूं। अब स्टूडेंट्स यहां पे पूछा है कि तीनों कितने टाइम में करेंगे, कितने आवर में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम पूछा है। तो स्टूडेंट्स अगर यहां पे मैं एलसीएम ले लूं तो टोटल वर्क, एलसीएम हमेशा न्यूमिनेटर का लिया जाता है, तो टोटल वर्क मैं मान लेता हूं कि 9 यूनिट है। टोटल वर्क क्या एज्यूम कर लिया मैंने, 9 यूनिट। अब स्टूडेंट्स बात यह है कि अगर यहां पे आप लोग ध्यान से देखें कि अगर ए प्लस बी 9 2 आवर्स में 9 यूनिट काम करते हैं, मतलब 4.5 घंटे में 9 यूनिट, तो इसका मतलब 1 घंटे में 2 यूनिट काम कर रहे होंगे, 2 यूनिट पर आवर के हिसाब से काम कर रहे होंगे। B प्लस सी 3 आवर्स में 9 यूनिट करते हैं तो 1 घंटे में 3 यूनिट काम कर रहे होंगे, और C प्लस सी अगर 9 4 आवर्स में 9 यूनिट काम करते हैं तो 1 आवर में 4 यूनिट काम कर रहे होंगे। इतनी बात तो आपको समझ में आती है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं यहां पे ऐड करूं तो इधर भी ऐड करना होता है मुझे, तो इधर A कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, B कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा, और C भी कितनी बार आ जाएगा, 2 बार आ जाएगा। और स्टूडेंट्स यहां पे अगर एफिशिएंसी ऐड करूंगा मैं तो कितनी आ जाएगी, यहां पे 9 यूनिट एफिशिएंसी आ जाएगी, 9 यूनिट। अब स्टूडेंट्स देखिए अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लेता हूं तो ए प्लस, क्योंकि मेरे से टाइम जो है वो ए प्लस बी प्लस सी का पूछा गया है, तो ये 9 यूनिट आ जाएगा, और 2 से ये कट होने के बाद कितना आ जाएगा, ठीक है, 4.5 यूनिट पर डे। ये तीनों मिलके 4.5 यूनिट पर डे काम करेंगे, और अगर टोटल काम कितना है मेरा, 9 यूनिट है, तो टाइम इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो वर्क तो 9 यूनिट है जबकि एफिशिएंसी तीनों की 4.5 है, तो यहां पे कितना आंसर आ जाएगा, 2 आवर्स। तो मतलब 2 घंटे यहां पे लगने वाले हैं इन्हें, तो चलिए हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 2 आवर्स। क्लियर हो गया आपको, तो मुझे उम्मीद है कि ये समझ में अच्छे से आपको आ गया होगा। क्लियर, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है स्टूडेंट्स। द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए प्लॉट 35 मीटर एंड 16 मीटर रेस्पेक्टिवली, इफ द रेट ऑफ फेंसिंग इज ₹7 per meter, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इट्स फेंसिंग। तो देखिए स्टूडेंट्स अगर मुझे फेंसिंग की कॉस्ट निकालनी है तो जो फेंसिंग होगी वो हमेशा कहां पे होती है, ये याद रखना, वो पेरीमीटर पे होती है, ये आपको पता भी होगा। और रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर देखें हम लोग, अगर देखें तो ये प्लॉट जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l + b, यही होता है। तो यहाँ पे अगर पेरीमीटर की बात करेंगे तो 2 35 + 16 यही हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 मीटर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है,
इतना तो क्लियर है आपको, तो ये पैरामीटर आ गया। अब 7 रुपीज पर मीटर के हिसाब से उसकी कॉस्ट पड़ रही थी, बात समझ में आई। तो जो टोटल एक्सपेंडिचर आएगा, अगर टोटल एक्सपेंडिचर की मैं यहाँ पे बात कर दूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आएगा, ठीक है, 102 मीटर में फेंसिंग करनी है और 1 मीटर के 7 रुपया खर्च होते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 714, तो कितना आ जाएगा 714 रुपीज़। उम्मीद है इतना तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, समझ में आई होगा, क्लियर है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कहां से दिया गया है, ये दिया गया है पार्टनरशिप से, तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन है आसान। तो क्या कह रहा है कि गौरव विवेक नीरज एंटर इनटू ए पार्टनरशिप बाय मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 3:5:7। इनके अगर मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो देखूं, ठीक है, गौरव जी से डिनोट कर रहा हूँ, विवेक को वी से डिनोट कर रहा हूँ और नीरज को एन से डिनोट कर रहा हूँ, तो किस रेशियो में है, 3:5:7 में। अब आगे कह रहा है कि आफ्टर ए ईयर नियर नीरज इन्वेस्ट रूपी बहुत सारा, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करता है, वाइल गौरव विड्रॉ रूपी कितना, ये इतना सारा पैसा। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट देन चेंजेस 24:59:167। हाउ मच डिड गौरव इनिशियली इन्वेस्ट, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ज्यादा इन्वेस्ट ज्यादा टफ नहीं है। मैं मान लेता हूँ इनिशियली गौरव ने 3x इन्वेस्ट किया, विवेक ने 5x किया और नीरज ने 7x किया। 1 साल तक तो उसका, अगर यहां पे बात करें तो अब 1 साल तक तो उसका 3x रुपीज ही मार्केट में लगा रहा, लेकिन 1 साल के बाद अगर मैं गौरव की बात करूं तो गौरव ने क्या किया, 4,5,600 रुपीज जो है वो मार्केट से निकाल लिया। तो स्टूडेंट्स अब उसका मार्केट में कितना पैसा बच रहा है, 3x-4,5,600। ये बात समझ में, अब उसका इतना इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो मुझे रेशियो दिया है वो दिया है कि फिलहाल कितना इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो दिया गया है। अगर बात मैं विवेक की करूं तो विवेक ने तो कुछ नहीं किया, ना पैसा लगाया ना निकाला। और अगर बात नीरज की कर दिया जाए तो नीरज ने 1 साल के बाद तो 7x प्लस कितना हो जाएगा, ये दिया गया है 3,3,7,600। इतनी बात समझ में आई। और ये जो रेशियो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा 24:59:167। तो स्टूडेंट्स आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो अब मैं क्या करता हूँ कि पहले दोनों उठा लेता हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ गौरव और विवेक को लेके चलता हूँ। तो गौरव का कितना है, 3x-45,600 डिवाइड बाय, नीरज का कितना है 5x, और ये इक्वल टू रेशियो कितना हो जाएगा, 24:59। इतनी तो बात समझ में आती है आपको, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। चलिए यहां से अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 47,200। अब मेरे से पूछा है कि गौरव का इन्वेस्टमेंट कितना था, तो गौरव का इन्वेस्टमेंट था 3x, तो 3×4,7,200 था, इसे मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ये मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 1,4,1,600, तो ये आंसर होगा मेरा थर्ड ऑप्शन। आसान क्वेश्चन था, टफ नहीं था, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, क्या कह रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। ए शॉप कीपर बायस 288 आइटम एट 90 पैसा ईच, बट लेटर ही रियलाइज दैट 13.8/9% ऑफ द टोटल आइटम आर डिफेक्टेड एंड कुड नॉट बी सोल्ड। ही सेल द रिमेनिंग एट 1.2 ईच, वॉट इज हिज ओवरऑल गेन परसेंटेज। स्टूडेंट्स कैलकुलेशन का क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा आसान है। तो उसने जो पहले टोटल सामान खरीदा उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा, 288 उसने सामान खरीदा और 0.9 रुपीज के पर आर्टिकल के हिसाब से खरीदा, 90 पैसे का मतलब 0.9 होता है। अगर यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मल्टीप्लाई करके हमारा कितना आ जाता है, ये 259.2। तो इतना टोटल उसका जो है ये कॉस्ट प्राइस रहा होगा। अब उसने देखा जितने आर्टिकल उसने खरीदे उसमें 13.8/9% तो काम के ही नहीं है। अब देखो 13.8/9% की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 125/9%। तो 125/9% उसका काम का नहीं है, या आप कह सकते हैं 125/9 इंटू 100, ध्यान से समझना, 25 से कट किया तो ये आया 5 और ये आया 4। तो स्टूडेंट्स ये कहा जा सकता है कि 5/36 काम का नहीं है, तो काम का कितना है, 31/36, बाय 36 में से 5 काम का नहीं है तो 31/36 काम का है। तो अब उसने जो बेचा है वो कितने में बेचा है, तो देखो 288 आर्टिकल थे, अब इसमें से उसके पास सिर्फ 31/36 ही बचा, और ये जो भी आर्टिकल है उसने किस रेट से बेच दिए, 1.2 पर आर्टिकल के हिसाब से बेच दिए, जो कि आपका कितना आ रहा है, 297.6।
तो आपने देखा कि जो कॉस्ट प्राइस है वो तो 259.2 है और जो सेलिंग प्राइस है वो 297.6 है। तो गेन परसेंटेज की अगर यहाँ पे बात की जाए तो गेन परसेंटेज कितना होगा, 297.6 माइनस 259.2 डिवाइड बाय, ठीक है, किस पे हुआ है गेन, 259.2 पे हुआ है, इनटू क्या हो जाएगा 100। अब स्टूडेंट्स इसे सॉल्व करना देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, 1422/27% आंसर आ जाएगा और ये क्या आएगा, गेन आएगा। तो जो कि कौन सा ऑप्शन है मेरा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्लियर हो गई बात आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, ये सीरीज का क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, तो सीरीज का क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, ध्यान से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे दिया गया है मुझे, मैं सीरीज लिख लेता हूँ, 325, 314, अगली टर्म क्या दी गई है 292, उससे आगे क्या दिया है 259, फिर क्या दिया है 215 और फिर क्वेश्चन मार्क यहाँ पे दिया है। और ये क्या जानना चाह रहा है हमसे, ये जानना चाह रहा है, ठीक है, कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या होगा। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि डिक्रीमेंट हो रहा है लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखें तो डिफरेंस कितने का दिखा रहा है, ये 11 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस देखें तो कितने का है, 22 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे देखें तो कितने का है, 33 का है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 44 का है, तो 11 का टेबल चल रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का रहा होगा, 55 का। तो आपने कुछ नहीं करना, 215 से 55 क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आंसर आपका कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। तो इसका 160 आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 भी देख लेते हैं, सीरीज का क्वेश्चन है। क्या सीरीज है वो मैं आपके सामने लिख देता हूं, 45, 46, 70, 141, फिर क्वेश्चन मार्क है और फिर दिया 1061.5। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि इंक्रीमेंट हो रहा है और बहुत तेजी से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन का केस है, क्योंकि सीरीज 45 से शुरू हुई है और 1000 पे जाकर रुक रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का केस है। अब स्टूडेंट्स 45 से 46 पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, इंटू वन करूंगा और प्लस वन कर दूंगा, बिल्कुल सही। 46 से अगर 70 पे जाना है तो 46 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.5 से और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, प्लस वन कर दूंगा। और फिर अगर 70 से 141 पे जाना है तो स्टूडेंट्स मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से और प्लस वन कर दूंगा, तो सीरीज आपको पकड़ में आ गई है। जब 141 से यहाँ पे जाना है तो इसे मल्टीप्लाई करना होगा 2.5 से और प्लस क्या कर देना होगा, 1। मतलब ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 141 इंटू 2.5 प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 141 इंटू 2.5 तो मतलब 141 का डबल और फिर उसका हाफ करके ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 352.5 आ जाएगा, प्लस 1 कर देंगे तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, 353.5 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्लियर हो गया होगा आपको, चलिए बहुत अच्छी बात। अगर क्लियर हो गया है तो अगली सीरीज देख लेते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, ये सीरीज देख लेते हैं किस तरह की सीरीज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर देखें तो पहले क्या लिखा गया है, सबसे पहले जो लिखा गया है वो 620 है, मैं पूरी सीरीज लिख देता हूँ 620। इसके बाद लिखा गया है 632 स्टूडेंट, इसके बाद कितना है 608, इसके बाद कितना है 644, इसके बाद कितना है 596 और इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के पूछा गया है। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये सीरीज घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, इस तरीके से है। तो जब ऐसी सीरीज आ जाती है पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी साथ में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अल्टरनेट जो नंबर है उन्हें चेक करते हैं, मतलब इस तरीके से चेक करते हैं। तो अब चेक करके देख लेते हैं, वो 620 से जाना है 68 पर, तो मैं देख रहा हूं कि क्या कर रहे हैं हम लोग, माइनस 12 कर रहे हैं और फिर 608 से 596 जाएंगे तो माइनस 12 होएगा। अब यहां से अगर यहां पे जाके देखें तो क्या हो रहा है, 632 से 644 पे जाए तो प्लस 12 हो रहा है और अगर इससे ये वाली सीरीज बनाएंगे तो आपको पता चल गया है तो यहां पे भी प्लस 12 जाएगा, तो जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह क्या आ जाएगा, 644 प्लस 12 तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 656 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, 656 होगा, जो कि हमारा थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। तो उम्मीद है बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है ये, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और इनका रिलेशन बताना है आपस में। तो स्टूडेंट्स पहले क्या दिया गया है, पहली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 5x² - 87x + 378,
तो स्टूडेंट्स इक्वल्स टू जीरो। अब मुझे पता है इस 378 की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, 5 से कर दूंगा, क्लियर है इतना। अब फिर क्या करूंगा, 378 इंटू 5, तो ये किया तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और फिर यहाँ पे आ जाएगा तो 1890। इसके दो फैक्टर ऐसे जिनका ऐड करके 87 आना चाहिए, तो एक तो हो जाएगा क्या 42, और एक क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये बात समझ में आई, तो एक तो रहा होगा 42 रहा होगा और दूसरा क्या रहा होगा 45 रहा होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का ही 42 रहा होगा, माइनस का ही 45, और एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट से डिवाइड करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, और साइन कर देते हैं चेंज, जो माइनस है वो प्लस, जो प्लस है वो माइनस। तो यहाँ पे एक्स की जो पहली वैल्यू आएगी वो तो आ जाएगी क्या 8.4 आ जाएगी, और एक्स की जो दूसरी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9। अब इसी तरीके से मैं वाई वाली को सॉल्व कर लेता हूँ, 3y² - 49y + 200 = 0। अब मैं फिर 200 की मल्टीप्लाई किससे करता हूँ, 3 से करता हूँ, जो कि कितना आ गया 600। अब 600 के दो ऐसे फैक्टर जिन्हें प्लस करके माइनस का 49 मिलना चाहिए, तो एक तो 24 हो जाएगा 24, और एक हो जाएगा 25। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 24 रहा होगा और माइनस का ही 25 रहा होगा, वाई स्क्वायर का कोफिशेंट 3 है तो आप डिवाइड बाय 3 कर दीजिए, और साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो स्टूडेंट्स एक तो आ जाएगा 8 और एक आ जाएगा 8.3। अब जब कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको बताया हुआ है किस तरीके से हम लोग कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पे आप एक्स और वाई लिख लीजिए। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू कितनी थी 8.4, तो वाई की पहली वैल्यू लिख लीजिए 8, तो x की वैल्यू अगर 8.4 है तो y की दूसरी वैल्यू कितनी आई 8.3। अब x की वैल्यू अगर 9 है तो ये 8 है, फिर मैंने y की दोनों वैल्यू लिखनी है, और x की वैल्यू अगर 9 है तो यहाँ पे कितना दिया गया 8.3 दिया गया है। तो आप हर कंडीशन में देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन है y से, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 18 फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, और एक्स में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है वो एक्स टेन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 24 इक्वल्स टू जीरो दी गई है। तो 24 की मल्टीप्लाई तो 10 से होगी, जो कि कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। अब 240 के दो फैक्टर ऐसे देखने हैं जिनका जो डिफरेंस है, देखिए माइनस का साइन है तो वो कितना आना चाहिए, माइनस का 1, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा 1 होगा। स्टूडेंट्स बात समझ में आई या नहीं आई, इतना तो क्लियर है आपको। तो इसके दो फैक्टर, एक तो हो जाएगा 15 और एक हो जाएगा 16, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। अब स्टूडेंट्स माइनस का 1 चाहिए, तो माइनस का तो 16 रहा होगा, और माइनस का प्लस का क्या रहा होगा 15 रहा होगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 10 है तो इसे डिवाइड बाय 10 कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स यहां से और साइन चेंज कर दीजिए, जो माइनस है वो प्लस और जो प्लस है वो माइनस, तो एक्स की दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 1/6 और माइनस का 1.6 और माइनस का 1.5, तो दो वैल्यू आ गई 1.6 और माइनस का 1.5। ऐसे ही वाई को सॉल्व कर लेंगे, तो वाई क्या दिया गया आपको, वाई स्क्वायर माइनस 2y = 0। तो इसमें से आप वाई कॉमन ले लीजिए, तो सिंपल है वाई माइनस 2 = 0। तो यहाँ से एक तो वैल्यू आ जाएगी y = 0 और एक वैल्यू आ जाएगी y - 2 = 0, तो y = कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो x और y की हम सारी वैल्यू का कंपैरिजन कराएंगे, तो x की वैल्यू लिख ली मैंने 1.6, तो y की वैल्यू यहाँ पे लिख दी 0, x की वैल्यू लिख दी -1.5, तो y की वैल्यू लिख दी मैंने यहाँ पे फिर 0, x की वैल्यू 1.6 तो y की वैल्यू लिख दी 2, और x की वैल्यू 1.5 तो y की वैल्यू कितनी है 2। इस तरीके से ही कंपैरिजन कराते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं x ग्रेटर देन y है, यहाँ पे देख रहे हैं y ग्रेटर देन x है, क्योंकि x माइनस में और y जीरो है। फिर यहाँ पे y ग्रेटर देन x है, और यहाँ पे भी y ग्रेटर देन x है, तो एक में ही जब ग्रेटर देन और लेस देन आ जाता है तो क्या होता है हमारा आंसर, रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड। तो आंसर क्या होगा हमारा, फिफ्थ ऑप्शन बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। क्लियर है, समझ में आ गई बात, चलिए बहुत अच्छी बात है, अगर क्लियर हो गया तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 19 भी यहाँ पे देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डाटा सफिशिएंसी का। क्या कह रहा है, 40 स्टूडेंट्स सिट इन ए रो एंड कॉलम, ठीक है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर सीटेड इन ईच कॉलम। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एक कॉलम में कितने स्टूडेंट्स बैठे गए। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं सबसे पहली बात तो यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे कि जो कॉलम है, कॉलम जो है एक्स है, कितने कॉलम है एक्स है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रोज इज 62.5% ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम। तो स्टेटमेंट वन से क्या कह रहा है कि 62.5% की अगर बात करें
तो आपको पता ही हुआ 62.5, जिसका मतलब होता है 5/8। मतलब अगर कॉलम एक्स है तो अगर बात रो की करेंगे तो रोज कितनी होगी, रोज हो जाएगी 5.8 इंटू एक्स। तो अगर यहां से मैं देखूं टोटल स्टूडेंट की बात करूं तो कॉलम है एक्स और स्टूडेंट है सॉरी रोज है 5/8 इंटू एक्स और ये टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40। तो स्टूडेंट्स यहां से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64 आ जाएगा, जहां से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। तो ये तो बात समझ में आ गई हमारे स्टेटमेंट वन से कि जो कॉलम है कॉलम को मैं सी से डिनोट करता हूं कि 8 है और जो रो की बात करते हैं तो रो कितना है यहां पे 5 है। अब स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट बैठे हुए हैं टोटल, तो कॉलम में कितने बैठे होंगे 40/8, तो हर कॉलम में 5 स्टूडेंट बैठे होंगे। इतनी बात समझ में आई, तो स्टेटमेंट वन अकेले से आंसर आ रहा है। आगे देखते हैं दूसरा जो कहा गया है, द नंबर ऑफ रोज इज 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ कॉलम। अब स्टूडेंट्स पहले में क्या था कि पहले में चीज परसेंटेज में दे दी थी, दूसरे में फ्रैक्शन में दे दी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 62.5% की वैल्यू 5/8 ही होती है, मैंने लिखवाया था। इसका मतलब अगर दूसरे को मैं अकेले सॉल्व करूंगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, तो भी मुझे पता चल जाएगा कि कॉलम 8 है और रो 5 है। इतनी बात समझ में आई। अब तीसरे की बात करूं तो द नंबर ऑफ रोज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉलम, तो तीसरे में कहा है कि जो रोज है वो कॉलम से कम है। अब स्टूडेंट्स ऑप्शन देखते हैं, ओनली ए नहीं, ओनली ए नहीं है क्योंकि बी से भी आंसर हो रहा है, सी एंड आइदर ए और बी नहीं, सी की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है, ओनली बी भी नहीं है। अगर मैं फोर्थ ऑप्शन देखूं तो आइदर ए और बी, मतलब या तो मैं पहले स्टेटमेंट को ले लूं या मैं दूसरे स्टेटमेंट को ले लूं, दोनों से ही अलग अलग आंसर आ सकता है, तो इसीलिए यहां पे जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, फोर्थ आंसर बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गई बात आपको, चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या दिया गया है, ध्यान से आप लोग देखना, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ए बैग कंटेनिंग ओनली 50 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन्स। तो जो बैग है उसमें केवल 50 पैसे के कॉइन्स हैं और 1 रुपी के कॉइन है, तो मैं यहाँ पे जो ऊपर डाटा दिया गया उससे एक चीज एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पे कि जो 50 पैसे के कॉइन्स है, 50 पैसे के जो कॉइन्स है वो मैं मान लेता हूँ एक्स है, और जो 1 रुपीज के कॉइन्स है, 1 रुपीज के जो कॉइन्स है वो मैं मान लेता हूँ वो कितने हैं वाई है। क्लियर, चलिए अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट वन देखते हैं ए क्या कह रहा है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इन बैग्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑफ 50 पैसे। तो स्टेटमेंट वन को अगर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएगा हमारे पास एक्स प्लस वाई, ये किसके इक्वल है ट्वाइस अगर मैं कर दूं 50 पैसे को। ये बात समझ में आई या नहीं आई, तो यहाँ से स्टेटमेंट वन से सिर्फ इतना पता चल पा रहा है कि वाई इक्वल टू एक्स, इतना पता चल रहा है कि वाई इक्वल टू एक्स, लेकिन अभी टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यहां से नहीं पता चल रहे, सिर्फ एक ही चीज पता चली है, मतलब स्टेटमेंट वन अकेला काफी नहीं है आंसर देने के लिए। अब आगे देखते हैं बी को, इफ नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स डिक्रीज बाय 50% द बैग वुड हैव कितना रुपीज 62.50। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है, यहां से मतलब क्वेश्चन क्या है, यहां से आंसर आ सकता है। अगर अकेले मैं बी को लेके चलता हूं, अकेले अगर बी को लेके चलूं तो ये कह रहा है कि जितने 50 पैसे के कॉइन्स हैं अगर उन्हें मैं हाफ कर देता हूं, उन्हें मैं क्या कर देता हूं हाफ कर देता हूं, अगर मैं उन्हें हाफ कर देता हूं, बात समझ में आई, तो क्या कह रहा है कि बैग में जो है वो 62.50 रह जाता है, मतलब एक्स के जो है हाफ सिक्के हो जाएंगे, तो प्लस 1 रुपीज के तो उतने ही रहेंगे वाई रहेंगे, और ये कितना हो जाएगा 62.50 हो जाएगा। अब मतलब यहां से जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, एक्स प्लस 2y इक्वल्स टू कितनी बन जाएगी 125। इतनी बात समझ में आई, तो ये आया बी की हेल्प से। अब आप आगे देखते हैं, चलिए सी भी देख लेते हैं कि सी में क्या डाटा गिवन है। इफ द नंबर ऑफ 1 रुपीज कॉइन्स इज डिक्रीज बाय 20% द बैग विल हैव कितना 65। तो ये भी इससे भी कुछ बात बन सकती है क्या, कि 1 रुपीज के कॉइन जो है वो 50% डिक्रीज हो जाए, 1 रुपीज के कॉइन्स 50% डिक्रीज होने का मतलब क्या है यहाँ पे, कि 1 रुपीज के कॉइन्स वाई थे 50% डिक्रीज होके 20% डिक्रीज होके 80% रह जाएंगे, और प्लस यहाँ पे अगर 50 पैसे के कॉइन्स तो उतने ही हैं और ये कितना बन जाएगा 65। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आ रही है एक्स एंड वाई की। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे क्या है कि इनमें से तीनों में से कोई अगर
दो उठा लेंगे तो आंसर आ जाएगा, मतलब सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, एनी टू ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स, क्योंकि कोई भी दो उठाएंगे तो दो ही अननोन रहेंगे, दो ही वेरिएबल रहेंगे, हमें आंसर निकालने की जरूरत नहीं, हमें यह बताना है कि कौन सा आंसर होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है पूरा पेपर, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफी पसंद भी आया होगा, आप लोगों ने देख लिया होगा कि कहां पर आपने सही किया है, कहां पर आपने गलत किया है। क्लियर है स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ इस टेस्ट का सॉल्यूशन खत्म होता है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, काफ़ी कुछ शॉर्टकट भी बताए आपको अच्छे अच्छे, तो उम्मीद है आप लोगों ने अच्छा स्कोर यहाँ पे किया होगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी दुआएं आपके साथ है, अच्छे से मेहनत करें, एग्जाम क्रैक करें, थैंक यू सो मच।